नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और वीडियो लाए हैं। इस वीडियो में हम आपको एक 5 पिन सॉकेट, 3 स्विच और एक 2 पिन सॉकेट के कनेक्शन करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम तीनों स्विच को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं एक वायर ले रहा हूँ, ये देखिए। तीनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, ये देखिए। यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। सॉकेट का यहाँ पर हम ये वाला पॉइंट ले रहे हैं और स्विच का आप इन तीनों में से कौन सा भी पॉइंट ले सकते हैं जिसके अंदर आप कनेक्शन देना चाहें। यहाँ पर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा 5 पिन सॉकेट स्विच के साथ कनेक्ट हो चुका है। इसी तरह हम 2 पिन सॉकेट को स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। 2 पिन सॉकेट का यहाँ पर ऊपर वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये वाला मैं, और स्विच का ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 2 पिन सॉकेट भी स्विच के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब हम दोनों सॉकेट के ब्लैंक पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके लिए मैं एक वायर ले रहा हूँ, ये देखिए। ये हमारा 2 पिन सॉकेट 5 पिन सॉकेट के साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बल्ब के साथ भी कनेक्ट करना सिखा देता हूँ, यानी कि होल्डर के साथ। यहाँ पर मैं होल्डर ले रहा हूँ एक, जो कि ये देखिए आप साइड में देख सकते हैं। होल्डर की एक वायर को मैं स्विच के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूँगा, जो कि हमारा ब्लैंक पॉइंट है, ये देखिए दोस्तों। ये होल्डर हमारा यहाँ स्विच के साथ कनेक्ट हो चुका है। और दूसरी वायर को मैं सॉकेट के इस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूँगा। ये आपकी मर्जी है कि इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दीजिए कि इस पॉइंट के साथ। यहाँ पर मैं 5 पिन सॉकेट वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए। ये देखिए, यहाँ पर हमारा होल्डर भी कनेक्ट हो चुका है। अब हम मेन वायर की बात है। एक मेन वायर हम स्विच की तरफ से निकालेंगे और एक मेन वायर हम सॉकेट की तरफ से। स्विच की तरफ से हम नीचे वाले पॉइंट में से मेन वायर निकाल सकते हैं, जो कि हमारी फेस की वायर होगी। और सॉकेट में से हम यहाँ से मेन वायर निकालेंगे, जो कि हमारी न्यूट्रल की वायर होगी, ये देखिए दोस्तों। यहाँ पर जो ब्लू कलर की वायर ले रहा हूँ मैं, जो कि स्विच के नीचे वाले पॉइंट से निकाल रहा हूँ, वो हमारी फेस की वायर है, ये देखिए। और दूसरी वायर को मैं सॉकेट के इस पॉइंट से निकाल रहा हूँ, ये देखिए। यह आपकी मर्जी है कि इस पॉइंट से निकाल लीजिए कि इस पॉइंट से। यहाँ से हमारी न्यूट्रल की वायर आएगी। और साथ ही साथ मैं आपको 2 पिन सॉकेट को डायरेक्ट करना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार कनेक्शन सिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे तीनों पॉइंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। ये तीनों पॉइंट स्विच के हैं। ये हमारी फेस की वायर है, ब्लू कलर की जो वायर है इसके अंदर करंट परमानेंट फ्लो होगा। रेड कलर की जो वायर ले रखी है वो हमारी न्यूट्रल की वायर है, इसके अंदर भी करंट परमानेंट फ्लो होगा। ये सॉकेट के साथ करंट परमानेंट फ्लो होगा। और ये वाले जो हमारा फेस का करंट है वो स्विच पे डिपेंडेबल होगा। अगर स्विच ऑफ होगा तो इसमें करंट फ्लो होना ऑफ हो जाएगा, और स्विच ऑन होगा तो इनमें करंट ऑन होगा। मैं इसे टेस्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ सॉकेट चेक करा दूँगा। सॉकेट के लिए यहाँ पर मैं एक ट्रिमर ले रहा हूँ चेक कराने के लिए, देखिए। यहाँ स्विच ऑन करते ही लाइट ऑन हो जाती है और स्विच ऑफ करते ही लाइट ऑफ हो जाती है। इसी तरह इस पॉइंट को भी मैं आपको टेस्ट करा देता हूँ, 2 पिन सॉकेट को, ये देखिए। अब हम होल्डर के पॉइंट को टेस्ट करा रहे हैं, ये देखिए। ये हमारा होल्डर है जो कनेक्ट करा था, इसे मैंने मिड स्विच के साथ कनेक्ट करा था, आप देख सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 पिन सॉकेट को डायरेक्ट कैसे करते हैं, यानी कि बिना स्विच के। तो ये देखिए दोस्तों, बिना स्विच के करने के लिए 2 पिन सॉकेट को सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंटों को हटा रहे हैं, ये देखिए एक बार। ये यहाँ पर मैं एक बार स्विच वाला पॉइंट इसके साथ हटा रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर स्विच का नीचे वाला पॉइंट है जहाँ से हमने फेस की वायर दे रखी है, उसे इस ऊपर वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, वाइट कलर की वायर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। ये देखिए दोस्तों, बाकी कनेक्शन बिल्कुल ऐसे के ऐसे रहेंगे। इसे भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों।
यहाँ पर ये हमारा ट्रिमर आ गया है, ये देखिए यहाँ पर ये ट्रैक है, स्विच ऑफ करने पे भी ये ट्रैक चल रहा है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।